नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई यूएई से रिलेटेड। आपको पता है भाई यूएई में भी कोरोना का महामारी बढ़ती जा रही है। 20,000 के करीब अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि आंकड़ा एग्जिट नहीं, मैं लगभग मैं बता रहा हूं, बाकी आप सबको पता ही है। और इंडिया की भी भाई हालात अब ख़राब हो चुके हैं। अभी 3-4 दिन से 55,000 के करीब संक्रमित हो गए हैं, 2,000 के करीब मौत हो चुकी हैं। रिकवर शायद कितने 15-16,000 के करीब रिकवर हुए हैं। तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है इंडिया की। और हम बात करते हैं साथियों दुबई में शारजा गवर्नमेंट एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए, जो टैक्सी ड्राइवर से रिलेटेड जो बंदे हैं बहुत अच्छा उनको पैकेज दिया है। 2,000 दुबई दिरहम उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है टैक्सी ड्राइवरों के लिए, क्योंकि जैसे ओमान ने दिया था ना टैक्सी ड्राइवरों को राहत पैकेज दिया था, वैसे ही शारजा गवर्नमेंट ने भी दिया है। भाई दुबई तो हर बार जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बेस्ट न्यूज़ निकल के सबसे ज़्यादा दुबई में आती है और किसी भी कंट्री में नहीं आ रही है। आपको तो शायद पता नहीं लेकिन मैं देखता रहता हूँ, कोई भी कंट्री बेस्ट न्यूज़ नहीं देती लेकिन दुबई सबसे बेस्ट है। आगे मैं बात करूँगा साथियों, अगर आप मान लीजिए इंडिया में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंडिया आने के लिए करवा चुके हैं, आपको आना है, आपको जानकारी चाहिए टिकट से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, कंट्री को कौन सा पैसा या फिर एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है एम्बेसी से रिलेटेड। तो वो नंबर आपको दो नंबर मैं दूंगा, स्क्रीन में डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है तो वहाँ करके एम्बेसी कॉन्टेक्ट टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप बात कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान वहीं से हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर दिया है। अब कई बोलते हैं सर ये नंबर स्विच ऑफ भी हो सकता है, तो भाई आप ट्राई कर लीजिए, बंद भी हो जाए इसलिए दो नंबर मैं दे रहा हूँ। दोनों नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की विदेश इंडिया आने से संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहें तो। आगे साथियों आपको मैं बता देना चाहूँगा कि भाई गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि ये कोरोना की महामारी में कि भाई 31 मार्च से पहले जो 31 मार्च के बाद में जो वीज़ा एक्सपायर हुए थे, किसी भी तरह का विजिट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कोई भी आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया वो 31 दिसंबर तक यानी 30 दिसंबर तक 2020 तक उसको रिन्यू ऑटोमेटिक कर दिया गया था। लेकिन हो सकता है किसी का हुआ है किसी का नहीं हुआ है, सिस्टम में कई बार कौन ध्यान देता है भाई, नहीं दे रहा है तो आप इस गलतफहमी में बैठे रहो। तो आप अगर चेक करना चाहें कि भाई आपका वीज़ा ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिए। अगर बाई चांस नहीं हुआ आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ, आज एक महीना हो गया आपका वीज़ा ऑनलाइन नहीं हुआ, चेक ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है या उसकी एक्सपायरी डेट आगे नहीं बढ़ी है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। मैं लिंक वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, उस वेबसाइट पे जाए, अपना फॉर्म, पासपोर्ट नंबर, अपना वीज़ा नंबर भरिए, सबमिट करिए, उसमें आपका वैलिडिटी दिखा देगा। ठीक है साथियों, ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। फिर भी आपका उसमें शो नहीं कर रहा है तो पास में जो वीज़ा सेंटर खुले हुए हैं आपके पास में, आप ट्राई कर लेना अपने स्तर पे, वहाँ जाके आप अपना वीज़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि उसकी वैलिडिटी दिसंबर तक 2020 तक बढ़ जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। साथियों खुशखबरी की बात यह है कि दुबई से चल के दो इंडिया फ्लाइट पहुँच चुकी हैं, 380 बंदे अभी इंडिया पहुँच चुके हैं। जी हाँ साथियों, फर्स्ट टाइम 380 बंदे इंडिया पहुँचे हैं दो फ्लाइटों में। ठीक है, उनमें दोनों की दोनों साथियों कोची की हैं। आपको बताया था मैं, केरला गवर्नमेंट ने सबसे पहले व्यवस्था दी थी तो वही पहले सबसे पहले वहीं के हैं। मालदीव से भी 700 लोग निकल लेके हवाई जहाज निकल चुका है जो रविवार को पहुंच जाएगा। मालदीव से भी काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, मालदीव से भी 700 बंदे एक दो दिन के अंदर इंडिया पहुंच जाएंगे, वहां से निकल चुका है आज की डेट की न्यूज़ में बता रहा हूं। तो न्यूज़ निकल के अच्छी आ रही है दुबई से रिलेटेड। आज की डेट में मैं 15 मई की गवर्नमेंट की क्या घोषणाएँ हैं, 15 मई यानी द्वितीय चरण स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। 8 मई से लेके 13 मई तक फर्स्ट चरण है जो गल्फ से कंट्रीज़ हैं, गल्फ में 27 फ्लाइटें जाएंगी। आपको पता है कौन कौन सी, मैंने पहले बता चुका हूँ। अभी 15 मई से लेके दूसरी कंट्रियों में जाने वाली हैं, उसका अलग से वीडियो डालूंगा तो आप ज़रूर उनको भी देखिए ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सी कंट्रियों से कितने बंदे आ रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट पर उतरेंगे, कहाँ कहाँ उतरेंगे, आपके नॉलेज में रहे। और आगे आने वाले दुबई से क्या स्थिति है, गल्फ से क्या स्थिति है, वो भी उस मैटर पर भी हम बात करते रहेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।